फाइनली हम लोग खाना लग चुका है यहाँ पे, गरम गरम चावल। चावल बहुत सॉफ्ट है, खाने में मजा आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को इस समय टमाटर का खेती बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों फाइनली अपना गाड़ी लोडिंग हो चुका है। आप लोगों को कंपनी का सीन तो नहीं दिखा सकते हैं बाहर का, पर हाँ अपने गाड़ी का अंदर का दिखा सकते हैं कि चलो भाई लोडिंग हो चुका है। सो हेलो भाई, फिर स्वागत करते हैं आप सबका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग कल रात में छत्तीसगढ़ के अंदर एंटर कर चुके थे और रात को इसी पेट्रोल पंप पे गाड़ी को लगा के सो गए थे। काफी अच्छा पेट्रोल पंप है, बिहेवियर भी काफी अच्छा भैया का है, तो यहीं पे हम लोग टेंट को लगा के सोए हुए थे। बहुत अच्छा नींद आया रात में हम लोगों को। और दोस्तों खुशखबरी इस बात का है कि आज अपने गाड़ी का लोडिंग है, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं गाड़ी को लोडिंग करने के लिए लोडिंग पॉइंट की तरफ आगे। और अभी हम लोग जहाँ पे हैं पार्टी का लोकेशन भी आ चुका है, यहाँ से टोटल 30 किलोमीटर दूर जाना है गाड़ी को लोडिंग करने के लिए। तो चलिए अब यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करके निकलते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोगों को पता है अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होना चालू हो चुका है, तो कभी भी सुबह पहला गाड़ी जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 2-4-5 मिनट छोड़ दें स्टार्ट करने के बाद, ताकि पूरा मोबिल अंदर रनिंग कर जाए। उससे क्या होता है कि इंजन आपका लाइफ टाइम बड़ा रहता है, मतलब जल्दी इंजन में कोई खराबी नहीं आता है। अभी दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर पे जहाँ पे हम लोग गाड़ी को लोडिंग कर रहे हैं। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि पीडीएम भाई अभी लोकल क्यों चल रहे हैं, तो अभी आप लोगों को कुछ ट्रिप लोकल ही मिलने वाला है, क्योंकि देखिए अभी दुर्गा पूजा है तो हमको भी छुट्टी चाहिए एक दो दिन के लिए। घर पे परिवार है तो उनको घुमाना है, पोषण को भी छुट्टी देंगे एक दो दिन के लिए। बाकी वीडियो तो डेली बनता रहेगा, वीडियो आएगा, वीडियो में कोई नागा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं वो आप लोग को डेली अपडेट मिलना चाहिए। और दोस्तों एक साल जब पहले हम छत्तीसगढ़ में आया करते थे उस समय रोड काफी अच्छा था, और कल जब गढ़वा से हम आए अंबिकापुर की तरफ ना, ये जो रोड है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है दोस्तों। मतलब हम लोग को आने में टोटल सोचिए कि 130 किलोमीटर आने में 4.5 घंटे लग गया। तो दोस्तों कल आने में हम लोग का हालत इतना खराब हो गया, मतलब रोड इतना ज्यादा खराब था, गाड़ी इतना पटक रहा था, मेरे कमर में 2-3 बार झटका लगा और अभी भी दर्द कर रहा है कमर मेरा। दोस्तों जहाँ से हम लोगों को गाड़ी लोडिंग करना है वो अभी यहाँ से 36 किलोमीटर बाकी है, और अभी दिन का 8:30 बज रहा है, मतलब सुबह का, हम लोग आधा घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत भाई को पता है, बहुत भाई को नहीं पता है, अभी हम डेली रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो शरीर में फिटनेस में ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों अभी शरीर को ना बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी हम लोग अपने फिटनेस को शरीर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में ये सब हो नहीं पाता है। तो जैसे कि मेरे शरीर के पेट देखिए, ये जो पेट है इसमें चर्बी हो गया, गाड़ी चलाते तो बैठ गया चर्बी, ठीक है, तो ये चर्बी को कम करना है। इसके लिए हम डेली अभी कंटिन्यू डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी घर पे थे तो भी अपना एक्सरसाइज चल ही रहा था। तो आज दोस्तों अपना रनिंग है, उसके पहले थोड़ा सा हम वार्म अप कर लेते हैं। कभी भी आप लोग अगर रनिंग करते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप करके शरीर को हीट कर ले, नहीं तो नस चढ़ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अभी बीडीएम भाई रनिंग करेंगे और हम बीडीएम भाई के पीछे पीछे गाड़ी लेके चलेंगे। बीडीएम भाई आजकल डेली रनिंग कर रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, और डेली आप लोग को हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, तो आज दिखाएंगे आपको। तो देख सकते हैं बीडीएम भाई अभी रनिंग कर रहे हैं और इधर बहुत चढ़ाई है, तो हम थोड़ा आगे आके रुके हुए थे। बीडीएम भाई देखिए दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं, टी शर्ट भी उतार दिया है। दोस्तों आज के बाद रनिंग कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, स्किपिंग करेंगे, रस्सी कूदेंगे, डिस मारेंगे, सपाटा मारेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो बीडीएम भाई का रनिंग भी कंप्लीट हो गया, वार्म अप भी कंप्लीट हो गया, अब रस्सी कूद रहे हैं बीडीएम भाई। दोस्तों आज का अपना जो रूटीन था डेली के हिसाब से वो आज कंप्लीट हो चुका है फाइनली, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं, वार्म अप खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज खत्म हो चुका। देखिए हमारा सिद्धांत यह है कि अगर अभी हम लोग फिटनेस में ध्यान देते हैं तो अपना ये उम्र है, अगर हड्डी में पेन होगा तो भी ये कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा दोस्तों कि आप रनिंग चाह के भी नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो यही उम्र है, फिटनेस में ध्यान दीजिए आप लोग भी। काम तो देखिए 24 घंटा करना है इंसान को, अगर 24 घंटा में से 1 घंटा अपने शरीर को आप नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसा काम करने से क्या ही मतलब है। और इधर का व्यू चेक कर सकते हैं दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है, और ये छत्तीसगढ़ का धरती। कौन कौन छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो तो सुबह से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एक बार भगवान का नाम नहीं हुआ, एक बार प्रेम से बोलो नमः पार्वती पता है, हरा हरा महादेव, श्यावर रामचंद्र की जय।
दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को इस समय टमाटर का खेती बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सब जो बगल में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे टमाटर होता है, ये सब पूरा टमाटर का बाग है। बहुत लोग बोलता है किसानी में फायदा नहीं है, अपना जमीन बेच के जाता है शहर में, बच जाता है। आप लोगों ने 1.5-2 साल पिछले का न्यूज सुना होगा, पिछले साल का जो छत्तीसगढ़ का किसान था शायद 9 करोड़ रुपए का जो है वो टमाटर बेचा था, 9 करोड़ या फिर 6 करोड़ का। मतलब समझ रहे हो किसानी में इतना फायदा है, कब आपका किस्मत पलट जाए कोई ठीक नहीं है। मधुपुर का मिर्चा, अब आप सोचिए मधुपुर में जब मिर्चा निकलता है, मधुपुर का मिर्चा सोचिए कि 120-120 रुपए किलो तक का हम देखे बिकता हुआ, और जब चुनार का मिर्चा निकलता है हम अपने आंखों से देखे 150 रुपए किलो मिर्चा बिकता हुआ। सोचिए किसान कितना प्रॉफिट में रहता है। लेकिन कभी कभी किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बारिश के वजह से माल खराब हो जाता है। तो कभी कभी फायदा तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन नुकसान कभी कभी हो जाता है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आरा कुंडी, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर में, एकदम पूरा गांव एरिया देख सकते हैं। तो गांव के अंदर हम लोग रुके हैं अपने गाड़ी का हवा चेक करवाने के लिए दोस्तों, क्योंकि कल अपने गाड़ी का हवा कम हो गया था, अभी भी देख रहे हैं धीरे धीरे हवा कम होते जा रहा है। तो हम सोच रहे इसको भरवा लेते हैं, मतलब पंचर तो नहीं है, अगर पंचर रहता ना तो बहुत ज़्यादा बैठ गया होता, पंचर नहीं है। तो गाँव में एक अंकल जी का दुकान दिख गया, यहीं से हवा भरवाएंगे। अंकल जी हवा भर दीजिएगा, तो दोनों चक्का में आगे चेक कर लीजिए। आप लोग कभी ध्यान देते होंगे जब एक चक्का में हवा कम हो जाता है तो गाड़ी उधर का ही भागना चालू हो जाता है, तो ऐसा ही अपने साथ भी सीन हो रहा था। हम सोचे हवा चेक करवा लेते हैं। अंकल जी इतना गांव के अंदर दुकान है, पंचर वंचर आते हैं बनाने के लिए सब? जी आते हैं जी। आपका सिंगल ही होगा हमको लग रहा है इस एरिया में, सिंगल ही इसीलिए चल जाता है क्या? जी चलिए दोस्तों, अभी अंकल जी हवा भरना चालू कर चुके हैं यहाँ पे। जब भी आप गाँव में जाते होंगे छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाते होंगे खेलते कूदते हुए, जो किसान के लड़के होते हैं ना उनका कभी पेट नहीं निकल सकता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे ये लड़का देखिए एकदम खड़ा है, और ये खेलता कूदता भी होगा। यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, सब खेतीबाड़ी करने वाले हैं, किसी का भी पेट नहीं निकला है, ठीक है। और हम लोग शहर में रहते हैं, हमारा तो खैर निकलने का रीज़न है, गाड़ी चलाते हैं बैठे रहते हैं, लेकिन शहर के ज़िंदगी में दौड़ भाग बहुत है, दौड़ भाग के ज़िंदगी में आदमी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, इसी वजह से जो है कि पेट फेंक देता है, डायबिटीज़ हो जाता है और क्या क्या बीमारियाँ शरीर के अंदर घुस जाता है। तो हवा अपना चारों चक्का में चेक करवा लिया अच्छे से, अब यहाँ से दोस्तों हम लोग सफ़र कंटिन्यू करेंगे। और पार्टी का लोकेशन आ चुका है कल रात में, और अभी भी अपना देखिए 31 किलोमीटर का सफ़र है और दिखा रहा है 47 मिनट का रास्ता, मतलब थोड़ा सा हमको लग रहा है कि रोड जो है वो सही नहीं है, ठीक है चलते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट लोडिंग पॉइंट पे पहुँचते हैं, पार्टी का 2 बार कॉल आ चुका है, अभी हम लोग जंगल में है, पहुँच कर फिर करते हैं बातें आप लोगों से। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं पूरा टमाटर का खेती है दोस्तों, और देखिए अपने बनारस नंबर गाड़ी आया है टमाटर लोड करने के लिए इधर, ये देखिए बनारस नंबर गाड़ी है। तो अभी जो अपना सफर है अभी 15 किलोमीटर का बाकी है। क्या जबरदस्त लगता है छत्तीसगढ़ जब आते हैं ना, एक अलग सा आनंद आ जाता है यहाँ पे। और ये जो जितना नीचे खेती देख रहे हैं सब टमाटर का खेती है, खीरा का खेती है। दोस्तों गाड़ी को साइड में लगा दिया है और हम लोग फाइनली लोडिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं, यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर और जाना लोडिंग करने के लिए। सुबह सुबह आ गए, मस्त नाश्ता कर रहे हैं, आलू पकौड़ा भैया बना रहे थे गरम गरम, आलू पकौड़ा खाते हैं। दोस्तों ये वाला पकौड़ा भी खा लिया और हमने समोसा भी खा लिया। दोस्तों जितना भी ये सब चीज़ें हैं सब जंक फूड में आता है और ये सब जल्दी खाना नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन क्या करें, सुबह सुबह इस रोड के अंदर कोई भी नाश्ता का दुकान मिला नहीं, एक दो दुकान मिला वहाँ पर भी छोला समोसा पकौड़ी बिक रहा था, तो हम लोग ज़्यादा भूख बर्दाश्त भी नहीं हो पाता हमसे, तो इसीलिए हमने खा लिया सुबह सुबह। कोई नहीं, हम ज़्यादा खाते भी नहीं है, कभी कभी खाते हैं, तो चलिए आज सुबह सुबह खा लिए। अभी देखते हैं कुछ फ्रूट्स का दुकान मिलेगा तो एप्पल खरीद लेंगे, संतरा खरीद लेंगे, ये सब खरीद लेंगे, या फिर मौसम्बी का जूस पी लेंगे। तो चलिए गाड़ी को लेकर चलते हैं लोडिंग पॉइंट पर, लगाते हैं और देखते हैं भैया लोग कितने बजे तक गाड़ी लोडिंग करके छोड़ेंगे, क्योंकि पक्का माल है, टेंशन है नहीं हम लोगों को। अभी पता है यहाँ से टमाटर का भी लोडिंग मिल रहा था, हम सोचे पक्का माल लोड करेंगे और आराम से लोड करके निकलेंगे। दोस्तों हम लोग
आगे निकल रहे थे लोडिंग करने के लिए, हम लोग बस गली में ही जाना है, आधा किलोमीटर अंदर है। तो यहाँ पे एक भाभी जी बेच रही है ये देखिए मूंगफली, मतलब इतना तगड़ा टेस्ट है, हम उतर के एक पीस खा के टेस्ट किए। ये भाभी उबाल के बेच रही है ना, उबला हुआ है ना, तो ये भाभी उबाल के लेके आई है बेचने के लिए। अभी एक पत्ता हमको ये दे दीजिए, ठीक है, और एक भुट्टा भी दे दीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से। भुट्टा कितने रुपए का है? 20। और ये आपका खेत का ही है ना, लोकल है ना सब? हाँ। तो इन लोग का खेत का ही है। पीछे देखिए ऊख का पूरा खेती है, गन्ने का खेती है। और ये देसी आप ही लोग घर का है ना? हाँ। ये देखिए इन लोग का घर का है, देसी एकदम है। तो चलिए हम ये उबला हुआ वाला एक ले लेते हैं, इसको खाएंगे अभी बैठ के। तो ये कैसे दोना है अभी बताइए? 20 रुपए दोना, बहुत कम दाम ले रही है। तो ज्यादा लेना चाहिए। नहीं, ये हम लोग को सर इतना मिलता तो कम से कम 40 रुपए का देता। हाँ। कम से कम 100 ग्राम से ऊपर है हमको लग रहा है। चलिए ये मूंगफली ले लिया, अभी एक हमको ये भुट्टा भूज के दे दीजिए बढ़िया वाला। तो ये सब चीज़ें कभी आप आते हैं छत्तीसगढ़ में तो मिलता है, खा सकते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। तो अभी क्या इसमें लगाएंगी? अभी नींबू और मिर्ची नमक। अच्छा, चटनी बना के लेके आई है क्या? चटनी भी है। चटनी दिखाइए कैसा है, देखिए ये चटनी क्या क्या डाली है इसमें? अदरक लहसुन मिर्ची। अच्छा, उसको भी मिला के बढ़िया से बनाइए। ये कितने का बताइए? 20 रुपए का है ना? हाँ। ये 20 का और ये 20 का, टोटल 40 आपका हो गया। तो चलिए गाड़ी घुमा ली है वहाँ से, अब पहुँचते हैं पहले हम लोग लोडिंग पॉइंट पे। लोडिंग चालू रहेगा अपना और हम और पोषण बैठ के ये सब खाते रहेंगे आइटम। दोस्तों गाड़ी को लेकर फाइनली कंपनी के अंदर पहुंच चुके हैं। पोषण गया है बगल में रूम में एंट्री करवाने के लिए, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी के अंदर जब भी गाड़ी आप लेके जाते हैं तो गाड़ी का एंट्री होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लाइसेंस भी जमा कर लेते हैं, फिर गेट पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है गाड़ी के नंबर से एंट्री होता है, तो सब कंपनी का अलग अलग रूल है। तो पोषण अभी एंट्री करा के आता है, तो अंदर चलते हैं लोडिंग करवाते हैं गाड़ी को। दोस्तों गाड़ी तो कंपनी के अंदर आ चुका है, बड़ी कंपनी है, यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, सब कंपनी का अलग अलग रूल होता है, आपको बताया मैंने गेट पे ही। तो चलिए पहले गाड़ी कांटा करवा लेते हैं, उसके बाद जब लोडिंग करके बाहर निकलेंगे तो करेंगे बातें, क्योंकि जो रूल है वो रूल है, वीडियो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कंपनी का गार्ड ने पहले ही मना कर दिया। दोस्तों फाइनली अपना गाड़ी लोडिंग हो चुका है, आप लोगों को कंपनी का सीन तो नहीं दिखा सकते हैं बाहर का, पर हाँ अपने गाड़ी का अंदर का दिखा सकते हैं कि चलो भाई लोडिंग हो चुका है। अभी देखिए हम लोग तिरपाल को अच्छे से बांधने के लिए, ताकि माल में पानी ना जाए, ठीक है, अच्छे से हम लोग अंदर से रस्सी को भी कवर कर लिए हैं, क्योंकि ये जो माल है ना ये है अल्मोनियम, इससे बनता है अल्मोनियम का जो कढ़ाई होता है, अल्मोनियम का जो बर्तन होता है, सब कुछ इसी से बनता है, तो हम लोग उसी मटेरियल को लोड करके जेट जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहले अच्छे से तिरपाल को पैक कर लेते हैं, उसके बाद जब कंपनी से बाहर निकलेंगे करते हैं आप लोगों से बातें, क्योंकि अभी एक घंटा का टाइम लगने वाला है और अभी शायद इन लोगों का खाने का टाइम हो गया, तो अभी शायद ईवे बिल देंगे नहीं, ईवे बिल मिलेगा तभी हम कंपनी से गाड़ी को बाहर लेके जाएंगे। तो फाइनली रस्सा तिरपाल करके एकदम खाली हो गए, अच्छे से रस्सा तिरपाल करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये बारिश में अगर भीग जाएगा तो काफ़ी जिम्मेदारी वाला सामान है, कंपनी वालों ने बोला है, और जिनका माल लोड किया उनका डिमांड है कि बीडीएम भाई थोड़ा सा भीगना नहीं चाहिए, माल अगर भीगा तो दिक्कत हमको हो जाएगा, तो समझ लीजिए दिक्कत होगा तो फिर भाड़ा भी अपना कट जाएगा। तो इसी वजह से डबल तिरपाल लगा के अच्छे से पैकिंग किया है माल को पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से, ताकि थोड़ा भी एक बूंद पानी अंदर ना जाए। तो चलिए अब कंपनी से पहले बाहर निकलते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं कंपनी से बाहर कांटे पे, तो अभी ये कंपनी के अंदर में ही है, मतलब कंपनी से बाहर अभी पूरा नहीं निकले हैं प्रॉपर तरीके से, और ये कंपनी का कांटा है, तो यहीं पे गाड़ी को लगा दिया। अभी माल का पूरा वजन होने वाला है, मतलब जब हम गाड़ी को लोडिंग करने कर गए थे तो उस समय मेरा गाड़ी कांटा होके ही अंदर गया था लोडिंग करने के लिए। तो अभी क्या है कि खाने का टाइम हो चुका है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो सब कोई चला गया खाने के लिए, तो हम लोग भी जा रहे हैं कुछ खा लेते हैं दोस्तों, खा लेंगे तब तक इन लोगों का टाइम हो जाएगा, तो ये लोग आएंगे जीएसटी पे बिल बना के दे देंगे, तो फिर हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये पोषण गेट बंद कर रहा है, गेट उधर का बंद कर दिया भाई, दोनों गेट बंद कर रहे हैं, हम लोग चलते हैं बाहर कुछ खाते हैं भोजन करते हैं। तो आज हम लोगों को एकदम खाने का मन है सिंपल खाना, दाल चावल सब्जी। तो चलिए बगल में एक होटल है फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से ये वाला है, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। दोस्तों फाइनली होटल में आ चुके हैं और हम लोगों ने खाना का ऑर्डर दे दिया है, आज एकदम खाना में हम लोग खाएंगे दाल चावल जैसे कि बताया था। तो भैया दे रहे हैं 80 रुपये प्लेट दाल चावल और कुछ बताएं लौकी का सब्जी है, तो लेके आने देते हैं हम लोग, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेके आते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग खाना लग चुका है यहाँ पे, गरम गरम चावल, चावल बहुत सॉफ्ट है, खाने में मज़ा आ जाएगा। और ये रहा आलू, सॉरी चना और लौकी का सब्जी, और थोड़ा खीरा पहले खा लेते हैं। आप लोग कहा के बताते कैसा टेस्ट है, जबरदस्त। दोस्तों सादा खाना एकदम जबरदस्त बना हुआ है, और 80 रुपये प्लेट के हिसाब से राइस भी काफ़ी बढ़िया है। तो खाना कंप्लीट हो चुका है, पैसा देके अभी हम लोग जा रहे हैं कंपनी के अंदर,
अभी दोस्तों आधा घंटा का और टाइम बचा हुआ है, क्योंकि 2 बजे इन लोग का खाने का टाइम खत्म होगा। उसके बाद फिर ये लोग ईवी बिल हमको बना के देंगे, तब हम लोग इस गेट से गाड़ी को बाहर निकाल पाएंगे। तो अभी गेट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों काफ़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली हम लोग का ईवी बिल आ चुका है। तो यहाँ पे ईवी बिल हम लोग का, तो पोषण अभी जस्ट ऑफिस से लेके आया हुआ है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट कर लिया, गाड़ी को कंपनी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं, बाय बाय। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अंबिकापुर बंगाली चौक। तो अभी जस्ट बंगाली चौक क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, अभी पहुंचने वाले हम लोग पोखरा के पास में। और यहाँ पे विश्वकर्मा मंदिर भी है दोस्तों। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप, यहाँ पे होगा अपना डीजल टैंक फुल, उसके बाद करेंगे अपने गाड़ी का शीशा साफ, पोषण भरेगा, पीने का पानी, थोड़ा सा फ्रेश होना है, बहुत सारा काम है पेट्रोल पंप पे। तो चलिए पहले डीजल टैंक फुल करवाते हैं, गाड़ी को लगाते हैं साइड, उसके बाद फिर फ्रेश होते हैं, गाड़ी से साफ करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। और दोस्तों इधर भाई साहब डीजल भी भरना चालू कर चुके हैं, ज़्यादा डीजल नहीं आएगा गाड़ी में, बहुत ज़्यादा आएगा, 3 से 3,500 रुपये का डीजल में फुल हो जाएगा टंकी। फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। पोषण पूरा अच्छे से साफ कर दिया, हम गए फ्रेश हो लिए बाथरूम में, और थोड़ा सा बाल में तेल भी लगा लिया, ठंडा तेल, शाम का मौसम है, ठंडा हवा चल रहा है, सोचे थोड़ा ठंडा तेल लगा लेते हैं, एकदम चिल्ड हो गए दोस्तों। तो चलिए गाड़ी का नाम लेके भगवान का नाम लिया जाए, निकला जाए यहाँ से आगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, हे प्रभु। तो अभी हम लोग बसंतपुर घटोरिया पहुँच चुके हैं, थाना मतलब बसंतपुर का जो थाना अभी क्रॉस किए हैं, और थाने के पास में कुछ भाई लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे देख के हमको पहचान गए तो भगा के आ गए घाटी में मिलने के लिए। ये देख सकते हैं सब भाई लोग हैं, कैसे हैं भाई आप लोग? सब बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ से कुछ अलग ही प्यार है। और ये देखिए भाई लोग, गाड़ी एक गाड़ी इधर है, एक पिकअप इधर लगा हुआ है, सबका गाड़ी देखिए लोडिंग है, एक पिकअप पीछे भी लगा हुआ है, एक पिकअप देखिए उधर पीछे लगा हुआ है, ठीक है, शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए अभी भाई लोगों को, कुछ भाई लोगों को मंडी जाना है, और कुछ भाई लोग यहाँ से गाड़ी घुमा के चल देंगे हमसे मिलके, ठीक है भाई? ठीक है, चलिए। दोस्तों मॉर्निंग हो चुका है, सुबह जहाँ पे हम लोग को गाड़ी को खाली करना था उस जगह के आसपास में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो एक बंद पड़ा हुआ पेट्रोल पंप, यहीं पे हम लोग कल रात को गाड़ी लगा के सो गए थे। दोस्तों कल रात को इतना ज़्यादा नींद आ रहा था हम लोग को, मतलब ये जो माल है ना, ये पाउडर है, तो बहुत हार्ड माल है, मतलब पत्थर का चूरा बोल सकते हैं इसको। तो जब हम लोग लेके आ रहे थे ना, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा पटक रहा था, तो इसी वजह से हम लोग बहुत आराम से आए गाड़ी को लेके, कहीं दिक्कत ना हो भाई रास्ते में, क्योंकि पार्टी का माल है, अब गाड़ी रुक जाएगा तो उसको ही प्रॉब्लम, हमको ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आराम से आए हैं। रात को 3 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और इतना थक गए थे कि अभी जस्ट सो के उठे हैं, और अभी सुबह का टाइम हो चुका है 7:30, और कोई उठाया नहीं हम लोगों को, हम लोग अपने से उठ गए, क्योंकि देखिए धूप निकल चुका है और गर्मी बहुत ज़्यादा दे रहा है। पोषण को मैंने बोला भाई चलो फटाफट उठते हैं, अब पहुँचते हैं पार्टी के पास, चला जाए भाई अब। तो पोषण को भी फ्रेश होना है, हमको भी फ्रेश होना है। तो ये क्या है कि पेट्रोल पंप बंद है, तो यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है। सो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।